हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर दर्शन। आज हम लोग देखेंगे फोल्डर के बारे में, फोल्डर के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप एरिया पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे और ऊपर सबसे देखेंगे फोल्डर है, एक फोल्डर बन के आ जाएगा। इसको हम चाहें तो डिलीट करके शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से भी बना सकते हैं। फोल्डर बनाने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इसके बाद फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम ऑप्शन पे जाएंगे। अगर हम फोल्डर का नाम चाहें तो अपने इच्छा अनुसार, जैसे स्कूल लिख दिया हमने, स्कूल लिख सकते हैं, कोई और अन्य नाम से रख सकते हैं। आपसे ये कहा जाए कि कोई फोल्डर बिना नाम के बनाना है तो आप उस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और उस पर अगर आप मिटाएंगे तो फोल्डर आपका बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई नाम ले ही लेगा, तो कम से कम एक अक्षर का नाम तो होना ही चाहिए। लेकिन आप बना सकते हैं, फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे या फिर उसका शॉर्टकट की है F2, उसको आप करेंगे और वहाँ पे एल्ट प्लस एल्ट के साथ 0160, एल्ट के साथ 0160। फिर से देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एल्ट होल्ड करेंगे, उसके बाद 0160 इंटर करेंगे तो बिना नाम का फोल्डर बन जाएगा। जनरली आप सब देखेंगे कि फोल्डर को अगर आप राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर पे जाएंगे और फोल्डर का नाम अगर आप कौन रखते हैं तो वो फोल्डर जनरली नहीं रहता, उसमें बताएगा था स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको भी आप बना सकते हैं, CON कौन लिखेंगे और एल्ट प्रेस होल्ड रखेंगे, 0160 प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपका कौन नाम का भी फोल्डर बन जाएगा। परमानेंट डिलीट करने के लिए फोल्डर शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे, फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा। अब हम कोई फोल्डर बनाने के बाद उसके नाम में परिवर्तन, जैसे नाम में परिवर्तन आप जान गए, अब कोई फोल्डर बनाएंगे, जैसे हमने बना लिया हो होम, हमने एक फोल्डर बना लिया और इसका हम आइकन चेंज करते हैं। तो फोल्डर बनाने का राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद अगर हमें इस फोल्डर को छिपाना है तो हम इस पर हिडन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई ओके कर देंगे, तो वो फोल्डर जो डेस्कटॉप पे बना हुआ था हिडन हो गया। हम वापस कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल में देखेंगे एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग, इस तरह से आपका लिखा रहेगा। तो आप इसमें ये ध्यान देंगे कि आपका जो कैटेगरी वाइज भी हो सकता है, आपका लार्ज आइकन भी हो सकता है, आपका स्मॉल आइकन, मतलब आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो इस तरह से अरेंज हो सकते हैं। सपोज दैट अगर आपका कैटेगरी है तो आप लार्ज करिए जिससे ईजिली आप देख सकें। तो लार्ज आइकन पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आप फोल्डर ऑप्शन पर जाएंगे, फोल्डर ऑप्शन पे जाने के बाद आप व्यू पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड ड्राइव्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, अप्लाई ओके कर दीजिएगा तो आपका डेस्कटॉप पे जो बना हुआ फोल्डर है वो आ जाएगा। आप इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, हिडन को हटाएंगे, अप्लाई ओके कर देंगे तो वैसे ही जनरली आ जाएगा। अब इस फोल्डर की, इस फोल्डर को हमें आइकन, इसका मुझे इसके आइकन को चेंज करना है, तो इस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, आप कस्टमाइज पे जाएंगे और यहाँ पर जैसे मैं बता दे रहा हूँ फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे,